हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले रुको यार, मुझे ना अपनी गाड़ी को साइड में लगाने दो। तो हाँ यार, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं टियर डाउन। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, बंकर में। तो मैं बता दूं, ये एक बंकर नहीं है, ये एक साइंटिफिक लैब है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, या आप इसको फैसिलिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ना ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये ना क्रिएचर्स या मॉब पर ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट इनसे ना एक दो एक्सपेरिमेंट गलत हो गए, तो जिससे कि जो उनका एक मॉब था ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, जो कि यार मतलब सबकी तबाही तबाही कर रहा है। जो यहाँ पर साइंटिफिक मतलब जो भी लोग थे वो तो यहाँ से भाग गए, बट यहाँ का जो ओनर है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा और बोला कि यार हमें बस कुछ भी करके अपने जो साइंटिफिक लैब है ना, उसको बचाना है, और हमें गाइस कुछ ना कुछ करना होगा। उन्होंने हमें एकदम फ्री हैंड दे दिया कि हम ना मतलब चाहे तो जानवर उसको मार भी सकते हैं, बस वो ज़्यादा तबाही ना कर दे यहाँ पर। और जैसा कि देख सकते हो, इन्होंने मेरे को एक टेम्प्रेरी एक कमरा भी दिया रहने के लिए, जहाँ से मैं निगरानी विगरानी कर सकता हूँ, रेस्ट करना हो तो रेस्ट भी कर सकता हूँ। बट यार मैं शायद से नहीं, ये ना चल नहीं रहा, मतलब ये ना कनेक्ट है यहाँ के सारे कैमरास से। तो हो सकता है यार उस क्रीपर ने ऐसी तबाही कर दी जहाँ से जो भी वायर थी ना, वो कटवटा चुकी है, तो जिससे कि यार जो भी कैमरेज थे ना, वो चल नहीं रहे। तो हमें अंदर जाकर ही उस क्रीपर को देखना होगा, और हो सके तो भाई मुझे उसको मारना भी पड़ सकता है। और उन्होंने मेरे को दो गाड़ियाँ दी है कि हम यहाँ पर कोई सी भी गाड़ी ले जा सकते हैं अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से ये वाली गाड़ी बहुत बढ़िया है इस फैसिलिटी के अंदर जाने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले छोटी सी गाड़ी ले जाने वाले हैं, तो चलते हैं भाई यहाँ से लैब के अंदर। बट यार मेरे को वहाँ जाते ही क्रीपर ना मिल जाए, तो मेरे को एकदम सावधान रहना होगा। और ये गाड़ी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा सही है, छोटी नैनो अपनी। और यहाँ पर एक रेड बटन है, क्या ये इमरजेंसी बटन है। और जैसा कि यार आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर आते कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रखी है उस क्रिएचर ने यहाँ पर। भाई ये देख रहे हो, ये है क्या, बाथरूम होना चाहिए वैसे तो। तो सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। यस भाई, ये बाथरूम है। और जैसा कि देख सकते हो भाई, मतलब दीवारें विवारें सब तोड़ दी भाई उसने। एक सेकेंड, यहाँ से आगे चलो, और ये जो पूरा गेट है उसका सत्यानाश कर दिया। ओ भाई, ये रहा वो क्रीपर। सबसे पहले यहाँ से भागो, मतलब कि यही वो क्रीपर है जिससे हमें बचना है। रुको 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 रुको, वो मेरे पीछे आएगा। आ रहा है मेरे पीछे आ रहा है वो मुझे सबसे। ओ भाई, यहाँ पर भी तबाही कर दी। यहाँ पर छुपने की जगह तो है, एक काम करते हैं इस साइड छुपते हैं। उसने मेरे को देख लिया क्या? ओए नहीं, ओ भाई, मतलब यार लिटरली मैंने इतनी जल्दी उस क्रिएचर को मार दिया, क्रीपर को। जैसा कि देख सकते हो ये मारा जा चुका है। और यहाँ पर एक ज़ोंबी भी है जो कि शायद से अपनी केज में है, तो मेरे को उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बट यहाँ पर जो क्रीपर है वो बहुत ज़्यादा इजीली मर गया। तो मतलब देखो उसने ना, देखो हम ना थोड़ी बहुत तबाही कर सकते हैं, क्योंकि हमें भाई इस पूरी लैब को बचाना है। तो यहाँ पर वो फट गया एंड काफ़ी ज़्यादा ईजिली मर गया। बट यहाँ पर हो सकता है एक दो क्रिएचर ऐसे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकें। तो यहाँ पर यार ये क्या अकेले क्रीपर ने इतनी सारी तबाही करी है क्या? मुझे लगता नहीं है कि क्रीपर इतना सब कुछ कर सकता है। मुझे लग रहा है यार एक दो जानवर और हैं, और ये पिग है। और ये क्या डिस्प्ले है क्या? इसमें माइनक्राफ्ट का पूरा लुक दे रखा है यार। ये कौन सी बायोम है? या देखो यहाँ बायोम चेंज हो गई भाई। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फैसिलिटी बना रखी है, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से ना यहाँ पर रिसर्च करी जाती है जानवरों के ऊपर। और यहाँ पर एक गाड़ी थी जो कि भाई तोड़ दी यार, कितनी ज़्यादा प्यारी गाड़ी है ये। इस गाड़ी का सत्यानाश कर दिया, चल के भी नहीं दे रही भाई, पूरी अटक चुकी है ये। बट कुछ नहीं होता, मुझे शायद से यार एक दो जानवर और है जिनको पकड़ना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही वो जानवर है? मतलब कि यार देखो अंदर जितने भी पिक्स है ना, उसके ऊपर सैडल नहीं बनती, और मैं इसको मतलब एक वो भी कर सकता हूँ। और ये बाहर का देखो भाई, बाहर क्या एकदम स्नो गिर रही है ऐसा लग रहा है। और इसको मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये अपने तरीके से चल रहा है। और सारे की सारे जो ये है ना सीढ़ियाँ, इसने यार ये पूरी की पूरी तोड़ दी। तो यार देखो मुझे ना यहाँ से सारे के सारे जानवरों को मारना होगा, क्योंकि ऐसा ना ये ऐसा कह रहे हैं कि यार इसमें ना वायरस फैल चुका है उस क्रीपर से, हो सकता है कि इनमें भी ऐसा वायरस फैल गया हो। तो देखो भाई क्या यार, एक कुर्सियाँ वुर्सियाँ तोड़ रहा है, मुझे इसको मारना होगा। और मेरे पास ना यहाँ पर लिटरली काफ़ी सारे खतरनाक वेपन्स है। और एक काम करते हैं, मिनीगन। अबे बेटा तबाही मत कर यार, ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है उन सभी मतलब पिक्स के रिलेटेड। ये देखो अबे कहाँ, अच्छा ये रहा। तो सबसे पहले मुझे इसको मारना होगा, बट ये लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन गधों ने ना मतलब ये जो साइंटिस्ट हैं इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा है इसके ऊपर, ये मर के ही नहीं दे रहा भाई, अमर हो गया ये। ये देखो कितना मारने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक काम करते हैं, ये वाली गन ये इन साइंटिस्ट लोगों ने ही मेरे को दी थी भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई इस गन से इसको। एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे पास RPG गन है, ये इसके ऊपर चलाता हूँ। भाई मर गया होगा अब तो, बहुत खतरनाक गन है भाई ये। अरे भाई नहीं मरा, तेरी मर, क्योंकि अगर गाइज मैंने इसको नहीं मारा ना, तो ये पूरी की पूरी फैसिलिटी ख़त्म कर देगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई। तो क्या वो मर गया? नहीं मरा। सबसे पहले टॉर्च ऑन, भाई साहब कितना पावरफुल है यार ये तो मर के ही नहीं दे रहा। देखते हैं इसका मुंह, देख रहे हो क्या भाई, हलवा सा हो गया।
ओए पूरी चमड़ी हट गई, ऐसा लग रहा है पूरा पक चुका है ये, बट अभी भी मर के नहीं दे रहा भाई। ऐसा लग रहा है मैं ही अपनी एमओ से मर जाऊंगा आरपीजी से। मेरे को क्या टॉर्च बंद कर देनी चाहिए, मुझे लग रहा है गाइस ये मर चुका है, बट इसको एकदम अच्छे से मारेंगे। भाई नहीं मर के दे रहा ये, मतलब मैं इसको इतनी ज़्यादा, वो भी आरपीजी गन मार रहा हूँ, ये भी नहीं हल्की वल्की गन मार रहा हूँ। और ये किसकी फैसिलिटी है, ये शायद से क्रीपर फैसिलिटी ही है। तो सबसे पहले यहाँ, ओ भाई मैं डर गया बट ये लिटरली भाई इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे इसको मारना, इसमें कितनी ज़्यादा पावर आ चुकी है। बट रुको यार, लगता है गाइस मैं इसको नहीं मार पाऊंगा। जैसा कि देख सकते हो इसकी ऐसी, ऐसा लग रहा है कि हल्का सा भी ये डैमेज नहीं हुआ है। मुझे इसको यहाँ पर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसा लॉक भी तो नहीं है जिसको मैं यहाँ से इसको लॉक कर सकूँ, बट हाँ मुझे लग रहा है देखो ये ना बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, ये एकदम फ्रीली मूव कर रहा है यार। तो छोड़ो इसको ना यहाँ पर ही छोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। मुझे देखना है कि क्रीपर के अलावा यहाँ पर और भी कोई है, बट सबसे पहले मेरे अंदर वायरस ना आ गया हो, इसलिए मैं यहाँ से ना ये बटन दबा देता हूँ जिससे कि जो भी वायरस वायरस है वो यहाँ पर ही मर जाए, तो अब काफ़ी होगा। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं बाहर, ये क्रीपर रूम था हाँ जो कि हमने मार दिया क्रीपर को। अब कौन कौन से रूम है, ये है ज़ोंबी रूम, तो ज़ोंबी ज़्यादा परेशानी तो नहीं कर रहा ना। रुको यहाँ से आगे चलते हैं भाई, ये रहा ज़ोंबी, ये भी थोड़ी बहुत तबाही कर रहा है, मतलब ये भी ना कोशिश कर रहा है अपने इस फैसिलिटीज से दूर जाने की। और मेरे पास मत आ, मैं बता रहा हूँ बेटा भरता बना दूंगा, मैं नहीं चाहता मैं तेरे को मारूं। रुको रुको मुझे ना इसे थोड़ा सा दूर जाना होगा। मत आ बेटा मेरे पास, मेरे पास कोई छोटी गन नहीं है क्या जिससे मैं इसको मार सकूँ, ये है मेरे पास। एक काम करते हैं, अबे कहाँ है, मत ओ, इसने मेरे को एक ही अटैक में मार दिया, कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई वो ज़ोंबी। मतलब यार लिटरली इन साइंटिस्टों की ऐसी की तैसी, इतना ज़्यादा पावरफुल बना देना इन्होंने इस मॉब को, मैं क्या ही बताऊँ। बट अब मुझे उस ज़ोंबी को भी मारना पड़ेगा भाई, सॉरी ज़ोंबी। सबसे पहले चलते हैं वापस से, मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ काइंड ऑफ, मतलब एकदम साफ़ सुथरा हो जाता हूँ, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। यहाँ से चलते हैं, मुझे इसको मारना होगा। अबे भाई मैं मरते मरते बचा, एक सेकेंड, सबसे पहले ना ऊपर से मारूंगा मैं इसको। तो अब मारते हैं, मैं मार ही नहीं पा रहा भाई, लगता है एमो खत्म हो गई है। भाग भाई, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरे पास मिनी गन है ना, एक काम करते हैं इससे मारते हैं। ओहो ओ बेचारा हड्डिया चला भी नहीं जा रहा भाई इससे। ओ भाई ये भाई पहली बार कुछ इस तरीके का स्केलेटन ज़ॉम्बी देखा है मैंने, बट अभी भी भाई इसमें जान है, पूरा चूरा चूरा हो गया। मतलब यार उड़ कुर को यहाँ टी एन टी मैं इसको ब्लास्ट कर सकता हूँ भाई, ऐसा लग रहा है उनसे ज़्यादा तो भाई मैं ही यहाँ का नुकसान कर रहा हूँ। बट इस गेट को खोलते हैं सबसे पहले वापस से अपने आप को एकदम फ्रेश, अबे इसको तोड़ना नहीं है, यहाँ से मेरे को अपने आप को एकदम फ्रेश हो जाना है। अब चलते हैं यहाँ से, अब जितने भी गाइस यार यहाँ पर पिक थे ना, मेरे को उन सभी को मारना पड़ेगा। वो वाला पिक तो भाई मर के ही नहीं दे रहा, एंड देन उसके बाद मैं उनको कॉल करूँगा एंड कह दूंगा कि भाई यहाँ पर फिल मतलब सेफ है, यहाँ पर तुम आ सकते हो। बट मुझे लगता नहीं कि ये पिक ना इतने ज़्यादा वो हैं नुकसानदायक, बट हाँ इसको मैंने अंदर धसा दिया, भी यहाँ बाहर नहीं आ पाएगा, तो साइंटिस्ट लोग इनको पकड़ लेंगे बाद में आकर। तो दो पिक तो ये रहे, तीसरा पिक यहाँ पर है, तो मैं इसको भी यहाँ पकड़ लेता हूँ। बेटा रुक जा, इसको ना यहाँ पर ना ये करके गड्ढा कर लेते हैं जिससे कि ये इससे बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि इसको मारना भाई इम्पॉसिबल है लिटरली, और यहाँ से भाग ना जाए। हाँ तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा, अब मैंने इनको उल्टा कर दिया, अब यहाँ से ये निकल नहीं पाएंगे। अबे निकल गए दोनों के दोनों, यार मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि ये निकल ना सके यहाँ से। तो ठीक है, बट गाइस यार जो मेन थे जैसे कि क्रीपर और जो दूसरा ज़ोंबी था, हमने उसको मार दिया। तो सबसे पहले हमें वापस से अपने वहाँ पर जाना है कंट्रोल रूम में, जहाँ पर उन्होंने हमें दिया था अपना छोटा सा कैबिनेट। तो इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं है भाई ये, तो आराम से चलते हैं। बट रास्ता हाँ यहाँ से था ना रास्ता, तो यहाँ से चलो आराम से, ठीक है। ओ भाई 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 बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है गाड़ी। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, एक काम करते हैं इसको ना मैं साइड में कहीं पार्क कर देता हूँ, एक काम करते हैं जहाँ पर पार्क थी ना वहीं पार्क करते हैं। उफ़ हमारा काम भाई बहुत मुश्किल था, मैं एक बार तो मर भी गया, बट अच्छी बात तो ये थी कि मेरे पास हील पोशन था जिससे कि मैंने अपने आप को हील कर लिया। बट रुको मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर फ़ोन वोन होंगे तो फ़ोन करेंगे उनको, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, ये रहा फ़ोन। तो ओके गाइस यार मैंने उनको कह दिया और वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने उनको कह दिया कि भाई जो तुम्हारा खतरनाक क्रिएचर था क्रीपर और ज़ोंबी, मैंने उन दोनों को मार दिया। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई क्रीपर को मारना था ज़ोंबी को नहीं, बट मैंने उनसे कहा कि भाई जो क्रीपर मतलब जो ज़ोंबी था वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, तो इसलिए मुझे उसको भी मारना पड़ा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम तुम्हें पेमेंट बाद में कर देंगे। तो भाई ठीक है, हमारा काम यहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना है इस फैसिलिटी से।
और भाई लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक लगा यार क्रीपर, मैं मतलब मरते मरते बचा उससे। बट सबसे पहले गाइज यहाँ से चलते हैं, एंड आई होप यार आपको ये वाली गेमिंग वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और चैनल को भी यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।